NIOS द्वारा होने वाले CCH पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पास जो फीडबैक आते हैं उसमें आप लोग अभी CCH के बारे में ज़्यादा पूछताछ आप कर रहे हैं और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हमने इस NIOS CCH कोर्सेस के बारे में हम जानकारियां लेकर आए हैं। पहले हम आपको बता दें NIOS CCH क्या है, ठीक है। तो NIOS द्वारा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नामक एक कोर्स चलाया जाता है, जो कोर्स व्यावसायिक शिक्षा सामग्री के तहत आता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यू दिल्ली भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक शैक्षणिक बोर्ड है, जैसे कि आप CBSE या फिर ICSE या फिर अन्य आपके स्टेट बोर्ड के समतुल यह डिग्री प्रदान करने वाले एक राष्ट्रीय स्तर का केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, बोर्ड है। इसके द्वारा 10th और 12th जो है बच्चों को करवाया जाता है और ये भारत सरकार के अन्य या राज्य सरकार के अन्य 10th और 12th के डिग्री के समकक्ष माना जाता है। यह NIOS द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं, जो या तो 10th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं या फिर 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। कुछ स्पेसिफाइड 12th जैसे कि आर्ट्स के लिए, कुछ कॉमर्स के लिए, कुछ साइंस बैकग्राउंड्स के लिए होते हैं। NIOS CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ या 10th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 10th पास कोई भी भारतीय नागरिक इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है इस वीडियो में हम बताएंगे, इस वीडियो में आप बने रहें। एक साल का ये पाठ्यक्रम है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हिंदी और माध्यम में, हिंदी या फिर अंग्रेजी माध्यम में, आप जिस भी माध्यम को सेलेक्ट करेंगे उस माध्यम में आपको स्टडी मटेरियल्स की प्राप्ति होगी। उस मटेरियल्स को आप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, आपको जो स्टडी सेंटर प्राप्त होंगे उस स्टडी सेंटर पर आप अपना असाइनमेंट्स भी देंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद वो आप जो है एग्ज़ाम में शामिल होंगे। उत्तीर्ण उपरांत आपको एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं NIOS, जो कि आपको हर स्टेट बोर्ड के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय स्तर की वैकेंसी में आपको मदद मिल सकती है। NIOS CCH का उद्देश्य क्या है? NIOS शिक्षा का CCH का उद्देश्य यह है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों की में बहुलता है, मतलब भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बहुलता है और 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ वहाँ की जो 70% की आबादी है, वहाँ के स्वास्थ्य के मामलों की जो देखभाल है वो वहाँ पर जो है स्वास्थ्य कर्मियों पर निर्भर करता है। तो इसीलिए भारत सरकार का एक यह मुहिम है कि हम क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उसको हम ये सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण दें, ताकि वह भी मुख्यधारा के चिकित्सा सेवा में शामिल हो पाए। इस पाठ्यक्रम का अन्य मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इस कोर्स को पास करने के उपरांत आप जो प्राथमिक उपचार करते हैं किसी रोगी का, तो फिर उसको प्राथमिक उपचार करने के उपरांत आप तुरंत ही उसको जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी हॉस्पिटल है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। आप इस कोर्स को करने के उपरांत डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं कहलाते हैं, आप डॉक्टर और रोगी पेशेंट के बीच का एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है कि आप उसको प्राथमिक उपचार किए, उसको जो है मृत्यु के मुंह से निकालने का काम आपका है और फिर आप उसे डॉक्टर को सुपुर्द करेंगे, जो हॉस्पिटल है उसको सुपुर्द करेंगे, फिर वहाँ पे उसकी
जो है अन्य ट्रीटमेंट चलेंगे। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हैं, आप प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता के तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। आपको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, चूँकि आप प्राथमिक स्वास्थ्य आप बिल्कुल एक ट्रेवलर की तरह अपने गांव में, समाज में, कम्युनिटी में आप रहेंगे, जहां जिसकी ज़रूरत पड़ेगी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य की, आप वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य देंगे और फिर उसे पुनः सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाएंगे। ये आपका मुख्य उद्देश्य है, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलाइसेंस की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। अब बात आई कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एडमिशन के लिए आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेट में हैं, मैं आपको बता दूं कि पीआर बायो क्लासेस का एक ऑफलाइन सेंटर है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है पीआर बायो रिसर्च संस्थान, जिसमें कि हम सारे कोर्सेज जो एनवाईएस, इग्नो या अन्य किसी यूनिवर्सिटीज के होते हैं व्यावसायिक कोर्सेज, उसका मैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स छात्रावास में रहना चाहते हैं या अगल बगल में, वहाँ पर मैं उसे अन्य फैकल्टीज के माध्यम से इन सारे कोर्सेज की विधिवत तैयारी करवाता हूँ, उसके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या फिर बाकी सिलेबस, उसके जो एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट्स है, वो मैं सारा करवाता हूँ, ताकि बच्चे स्वसमय सारे सिलेबस को कंप्लीट करें और ये एग्ज़ाम में शामिल हो पाए। लेकिन चूँकि पी आर बायो क्लासेस हमारा एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हमें ये चीज़ें बताना अनिवार्य है कि आप कहीं भी भारत के किसी भी स्टेट से क्यों नहीं बिलोंग कर रहे, किसी भी क्षेत्र से क्यों नहीं बिलोंग कर रहे, सुदूर गांव से आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम आपको बता देते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। आप चाहे वो मोबाइल खोलें, चाहे आप लैपटॉप खोलें, चाहे आप किसी कैफे में जाएं, आपको क्या करना है, आपको VOC आप नोट कर लें, voc.nios.ac.in पोर्टल पर आप जाएंगे, voc.nios.ac.in पर जाएंगे, वहां पर आपको पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन नामक चीज़ें मिलेंगे। पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहां पर, पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं आप देख लीजिए, पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप शायद देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलते हैं, एडमिशन, उसमें मीनू में आप देखेंगे एडमिशन है, एग्ज़ाम रिजल्ट है, प्रोजेक्ट स्कीम है, हॉल टिकट जून 2024, स्टडी सेंटर, कॉन्टैक्ट अस, रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन, इतने सारे चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको एडमिशन पर जाना है, एडमिशन पर क्लिक करना है, एडमिशन पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप जाएंगे, वैसे ही आपको इसमें चूज योर प्रोग्राम आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज योर प्रोग्राम, ठीक है, चूज योर प्रोग्राम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर है एक, आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट, और यहाँ पर है रेगुलर वोकेशनल कोर्सेस, ठीक, ये रेगुलर वोकेशनल कोर्सेस में आपको जाना है, इस रेगुलर वोकेशनल कोर्सेस में आपको जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर अवेलेबल प्रोग्राम में जाना है, और अवेलेबल प्रोग्राम्स में आपको मिलेंगे वोकेशनल कोर्सेस, आरंभिका और NDRF। तो आपको वोकेशनल कोर्सेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सारे कोर्सेस, एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, बिजनेस एंड कॉमर्स, हॉस्पिटलिटी कोर्सेस विथ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस, होम साइंस एंड हॉस्पिटलिटी, लाइफ इनरिचमेंट कोर्स, मिसलेनियस कोर्स, टीचर्स ट्रेनिंग,
वोकेशनल स्ट्रीम योग एंड नेचुरोपैथी आशा, इतने सारे कोर्सेस आपको मिलने जा रहे हैं। और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहेंगे या उस कोर्स में आप क्लिक करेंगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसमें 10 पाठ्यक्रम मौजूद है, 10 कोर्सेस उपलब्ध है। तो आप जिस भी कोर्स में जाना चाहेंगे, इसमें 6 मंथ्स के 2 कोर्स अवेलेबल है और 1 ईयर के 4 कोर्स अवेलेबल है। तो आप जैसे ही सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ पर जाएंगे, उसमें प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और आप प्रोसीड में जब जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर प्रक्रिया बेसिक डिटेल आपको देने हैं, फिर जनरेट OTP आएगा, फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो होते होते आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। 50% एडमिशन फीस जो है आपको तुरंत लगते हैं, बाकी का 50% आपको स्टडी सेंटर पर देना होता है। स्टडी सेंटर जब आप जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, बेसिक डिटेल को इस पर फिल करेंगे, जनरेट OTP आएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें स्टडी सेंटर चूज वाला ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप चूज करते हैं स्टडी सेंटर को, ठीक है, तो वो आप जो प्रिंट आउट निकलेगा इस वक्त एडमिशन का, उस स्टडी सेंटर पर आप जाएंगे, वो स्टडी सेंटर वाले आपके उस फॉर्म को लेंगे, फिर वहाँ से बाकी 50% फीस वो कलेक्ट करेंगे आपसे, वो आपको रसीद देंगे। आपका रसीद लेने के बाद आपका जो है वो फिर आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड आप NOS के पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे 10-15 दिन के बाद, और फिर आप जो है वहीं से बुक्स लेंगे और उसी स्टेशन पर आपकी तैयारियां करवाई जाएगी। तो कुल मिला के ये एक प्रोसेस है जो हम मैंने आपको बताया। आप लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, आप उसको देख सकते हैं, हो सकता है मोबाइल में ये सपोर्ट न कर पा रहे हो इसीलिए आपको दिख नहीं पा रहा हो, आप किसी लैपटॉप या फिर किसी कैफ़े में जाएंगे तो आपको इन सब की सारी जानकारियां मिल जाएगी। एडमिशन एकदम बिल्कुल साधारण है, आप अपने से भी आप इसको इसमें एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। फीस की जहां तक बात है तो 5,000 रुपया इसका जो ऑफिशियल फीस है। बहुत सारे स्टडी सेंटर जो है जब सुविधाएँ आपको देंगे, फैकल्टीज देंगे, आपको विधिवत ट्रेनिंग देंगे, सारे मेडिकल चीज़ों को जानकारियां देंगे, तो हो सकता है फीस वो अपने स्तर से कुछ चार्ज करे, ठीक है, लेकिन आपको जो NOS का जो फीस है वो महज 5,000 रुपया है। इसके अलावा जो स्टडी सेंटर आपको अलग से कुछ चीज़ें अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसका वो अलग से चार्ज कर सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम है, सालों भर इसमें एडमिशन ओपन रहते हैं, आप साल भर में अपने हिसाब से किसी भी वक्त एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, चूँकि इस वीडियो में हम NIOS CCH की बात कर रहे हैं इसीलिए हम इसमें NIOS CCH के बारे में ही आपको हम जानकारियां दे पाएंगे। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल में बेसिक लाइफ साइंस के, बेसिक हेल्थ साइंस के बारे में जानकारियां दिया गया है, मेटरनल चाइल्ड केयर के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है, उसके बाद आपको इमरजेंसी जो हेल्थ चीज़ें हैं वो तीसरा मॉड्यूल में जानकारियां दिया गया है। तो कुल मिला के 3 मॉड्यूल हैं और आपको एग्जाम 3 के देने होंगे, उसमें अब ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस सभी आते हैं। तो कुल मिला के ये रहा हमारा एक डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट NIOS CCH। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कमेंट्स बचता है तो आप जरूर हमें बताएं, कमेंट्स करें। हमारा PR BAO क्लासेस का हमने एक WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है, WhatsApp ग्रुप पे आप जरूर क्लिक करके ज्वाइन कर लें किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हम आपको PR BAO क्लासेस में ऑथेंटिक इग्नो और NOS से संबंधित जानकारियां देते हैं और बहुत ही कूल माइंडेड तरीके से देते हैं, इसमें कहीं कोई हम आपसे अन्य चीज़ों का इसमें ये चीज़ें उम्मीद नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक सेल्फ कहा जाए कि विदाउट एनी डिमांड हम आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आप आगे बढ़ें, ये PR BAO क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।